नमस्कार दोस्तों, रोजगार विदंकी चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ग्रामर की क्लास 26 लेके आए हैं और ये क्लास सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन का एक तरह से मिक्स करके जो निकल के आता है उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पूरा पढ़ना है। ये किस किस के लिए यूजफुल एग्जाम के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि ये केडी कैंपस जो है, केडी पब्लिकेशन की बुक है नीतू सिंह मैडम की, तो उसी बुक से हम अभी करेंगे क्योंकि मैं अभी नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए टाइम के अभाव के कारण, प्लस थोड़ा सा मेरी कमर में जो मैंने आपको बताया था परेशानी है, तो ज़्यादा देर बैठने के लिए अभी डॉक्टर ने भी मुझे मना किया हुआ है। तो मेन पर्पज़ है हमारा कि कोर्स पूरा होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बहुत अच्छी बुक है और बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे उस बुक के साथ ही। तो उस बुक में फिर समझाता हुआ मैं अपने पास से भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देता हुआ चलूंगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर उसके बाद भी, क्योंकि प्रैक्टिस हमें और दो तीन बुक से भी करनी है, उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, छह रूल हमने पढ़ लिए थे अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो अभी ये जो अगला रूल है, रूल नंबर 7, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, यानी देखने में वो क्या लगेंगे, प्लूरल है, लेकिन असलियत में होते क्या है, सिंगुलर। तो हमारे साथ वर्ब कौन सी लगाएंगे उनके साथ हम, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि जो असलियत में वो हैं, जो असलियत में उनकी जो प्रकृति है, उनकी नेचर है, उसी के अनुसार हमें वर्ब लगानी होती है। तो देखने में वो कुछ भी लगे, अगर वो रूल के अनुसार वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो ऐसे जो कुछ कैटेगरी हैं हमने नाउन में पढ़ी थी, फिर से एक बार देख लेते हैं तो रिवाइज हो जाएंगी नाउन के भी। बीमारियों के नाम हैं जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स। खेलों के नाम हैं कुछ जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। कुछ देशों के नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को बोलते हैं ना, तो एक ही है कंट्री, तो द वेस्ट इंडीज, इंडीज, IES लगी हुई है। हमने बहुत सारे नाउन में IES लगाई थी प्लूरल करने के लिए, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये क्या है, सिंगुलर, एक देश का नाम है। ठीक है, द अरेबियन नाइट्स में बहुत गलतियां करते हैं लोग। अरेबियन नाइट्स जो है, जो हम अलिफ लैला भी बोल देते हैं उसके लिए, ठीक है, वो बुक है, तो अरेबियन नाइट्स को हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है। तो अरेबियन नाइट्स जो है किताब का नाम है, ध्यान रखना। थ्री मस्कीटियर्स, देखो सब में ऐसी IES लगी हुई है लास्ट में जिससे आपको लगे कि कुछ प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ध्यान रखना ये है क्या, सिंगुलर। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, सिंगुलर। फिर कुछ विषयों के नाम है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। तो इन सबको हमें जो देखने में ये लग रहे हैं प्लूरल, ये है नहीं प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी लगानी है, हमें सिंगुलर लगानी है। जैसे मैथमेटिक्स पेपर में आ सकता है, मैथमेटिक्स आर, आपको पता होना चाहिए, बेशक इसमें एस लगा हुआ है लेकिन ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और ये सिंगुलर होता है, तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो पॉलिटिक्स इज, ना कि आर, बेशक देखने में एस लगा हुआ है पीछे लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्टेटिस्टिक्स, देखो इससे हमारा तात्पर्य डाटा है, ठीक है, क्या है, डाटा, डेटा। मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन से है और पॉलिटिक्स से हमारा राजनीतिक विचारों से है, तो इनका बहुवचन में भी प्रयोग होगा। जब ये सब्जेक्ट के तौर पे ना हो के जो स्टेटिस्टिक्स है वो डेटा के लिए यूज हो, मैथमेटिक्स जो है कैलकुलेशन के लिए यूज हो, और पॉलिटिक्स क्या है, राजनीतिक विचारों के लिए, पॉलिटिकल जो थॉट है, पॉलिटिक्स जो वो है, मतलब पॉलिटिक्स राजनीति के लिए ना हो के राजनीतिक विचारों के लिए हो, तो उसका बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे स्टेटिस्टिक्स हैव रिवील्ड, स्टेटिस्टिक्स माने डाटा, डेटा, यानी आंकड़ों ने ये रिवील किया है मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनके जो उन्हें उनका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उन्हें जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें मल्टीपल बहुत सारे स्कैम हुए थे, बहुत सारे घोटाले हुए थे, ये किसने, तो ये जो है सब्जेक्ट रिवील नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिवील डेटा, क्या रिवील करेगा, डेटा, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8,
एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। अब ये भी बहुत जरूरी है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, देखिए कैसे महत्वपूर्ण है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, अब यहां पे जो सब्जेक्ट क्या है वो है क्वालिटी, एप्पल्स की क्वालिटी, एप्पल्स का जो है उनका जो क्वालिटी है वो अच्छी है, तो अच्छी किसके लिए बोला गया है, क्वालिटी के लिए, एप्पल्स के लिए नहीं। या तो होता द एप्पल्स आर तब तो ठीक है, अब तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहां एप्पल्स के अनुसार ना लग के किसके अनुसार लगेगा, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी इज रहेगा। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, एंड नॉट से जुड़ा हुआ, एंड नॉट ये तो हमने जो रूल पढ़ा था एज वेल एज वाला इन एडिशन टू उसी में से है, तो ही एंड नॉट, तो एंड नॉट से जब दो जुड़े होते हैं सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट एक ये सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, जो पहले वाला होता है वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है जो कि पहले वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेज रिलेटेड टू रियोर्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड, करता क्या है अपील, अपील किस चीज की अपील है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अपील क्या है, अपील सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो अपील्स होती, ठीक है, तो अपील है सिंगुलर, इसलिए यहां पे हो गया हैज बीन एक्सेप्टेड। रूल नंबर 9 देखिए, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, किसके साथ, कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था दो तरह से यूज होता है, एक तो कलेक्टिव जब दिखाए एक ग्रुप, यानी एक ग्रुप के तौर पे, जब उसमें कोई भी भेदभाव ना हो, यानी उसमें कोई बंटवारा ना हो, या फिर क्या हो उसके मेंबर्स के बारे में ना बात करके पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही हो, तब तो उसके साथ लगेगी हमारे यहाँ सिंगुलर वर्ब, और अगर भेदभाव हो या मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हो तो लगेगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो गायों का झुंड है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, ना तो देखो भेदभाव दिख रहा है कहीं भी और ना ही मेंबर्स के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है, तो द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अवर टीम हैज वॉन द मैच, अवर टीम हैज वॉन द मैच, अब यहां भी देखो टीम पूरी जीतती है ना मैच को, कोई बिना भेदभाव के, यानी सबके प्रयासों से, सबके कलेक्टिव एफर्ट से जीतती है टीम, तो अवर टीम हैज आ गया, क्या आ गया, हैज ना कि है, ठीक है। द कमेटी हैज यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने लिया है डिसीजन, यूनैनिमसली माने एक मत से, बिना किसी आपस में मतभेद के, जब मतभेद नहीं है तो इसका मतलब एक है, जब एक है तो सिंगुलर के तौर पे यूज होगी, और जब सिंगुलर के तौर पे होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही इसके साथ प्रोनाउन आएगा। द कमेटी हैज यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना डिसीजन लिया है, यूनैनिमसली माने एक मत से, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की जो बात की जाए तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। द जूरी आर डिवाइडेड, डिवाइडेड वर्ड आते ही तो ये समझ लो कि जो ग्रुप है वो बट गया, क्या हो गया, वो अलग अलग बट गया, और जब बट गया तो वो हो जाएगा प्लूरल। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पे यूज होता है तब उसके साथ अपने की अंग्रेजी लगती है इट्स, ठीक है, क्योंकि हिज तो लग नहीं सकती, आदमी तो है नहीं, और जब ये प्लूरल के तौर पे यूज होता है तो लगता है मेंबरों के लिए देयर, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। अगर यहां प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब तो यहां भी देयर होगा, अगर ये सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर होगा, ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब देखो यहां ऑडियंस में कहीं बंटवारे या मतभेद की बात तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सीट जो लेंगे अपनी अपनी, इसका मतलब हर मेंबर अपनी सीट लेगा ना, यानी हर सदस्य के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हर सदस्य के बारे में, और जब सदस्य के बारे में बात होती है तो वो भी प्लूरल के तौर पे यूज होती है। द ऑडियंस हैव टेकन और अपने की अंग्रेजी प्लूरल, क्योंकि वर्ब जो जो है ये प्लूरल है, इसलिए अपने की अंग्रेजी भी प्लूरल के अनुसार देयर सीट्स, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ठीक है। रूल नंबर 10, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, 100 बॉयज आर इन माई क्लास, 100 बॉयज आर इन माई क्लास, ये प्लूरल संख्या है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अब नोट इसका देखते हैं, चलिए इसे ध्यान से पढ़िए,
अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4 ये होते हैं कार्डिनल, ठीक है। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट हो, अगर सर्टेन अमाउंट हो, सर्टेन वेट हो, सर्टेन पीरियड हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन हाइट हो, यानी इन चीजों के बारे में अगर बात हो रही हो कार्डिनल के बाद, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के तौर पे प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, 100 रुपये मेरी जेब में है, 100 रुपये की एक रकम, इसका मतलब ये है, तो यहाँ सिंगुलर आ गया, ठीक है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, पैदल पर कवर करने के लिए 10 माइल्स की जो दूरी है वो बहुत बड़ी दूरी है, ठीक है। तो 10 माइल्स की जो दूरी है, तो यहां भी एक यूनिट के तौर पे दिखा रहे हैं, इसलिए ये इज आया, यहां भी इज आया, ठीक है। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो तो प्लूरल माना जाता है। कैसे? 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, अलग अलग बांटे जाने हैं। अब ये बांटे ही जाने हैं तो इसका मतलब तो वैसे ही अलग अलग यूनिट मानी जाएगी ये, जहां बांटने की बात आ गई, इसलिए यहां पे इसे माना है फिर प्लूरल, ठीक है। 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब देखो यहां नीचे, 5,000 रुपीज इज ए हैंडसम अमाउंट, 5,000 रुपये का जो जो राशि है वो अच्छी खासी राशि होती है, अच्छी खासी रकम होती है। यहां 5,000 रुपये की रकम यानी एक यूनिट के तौर पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, 5,000 रुपये खर्च किए गए हैं अलग अलग यूजफुल माने उपयोगी कमोडिटीज माने चीजों पे, 5,000 रुपये खर्च किए गए अलग चीजों पे। यहां भी देखो बंटवारे का सेंस है, कुछ इस पे खर्च किए, कुछ इस पे खर्च किए, कुछ इस पे खर्च किए, कुछ इस पे किए, कुछ इस पे किए, इसलिए यहां भी क्या आएगा, ये बंटवारे के सेंस में आएगा, तो प्लूरल आएगा, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ में ना आए तो फिर कमेंट करके पूछना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। रूल नंबर 11 देखिए, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव माने जो जोड़ने वाला हो, ठीक है, रिलेटिव माने क्या होते हैं, संबंधी, यानी जो संबंध दिखाए किन्हीं के बीच में, तो हु विच दैट के द्वारा, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आया हुआ है उसके अनुसार, जैसे शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट, अब यहां देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, अब ये जो ये वर्ब आएगी ये इससे पहले वाला जो नाउन है उसके अनुसार आएगी। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, यह वुमेन जो है प्लूरल है, प्लूरल है ना, WOMEN, वुमेन में प्लूरल होता है। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो वुमेन है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आया हुआ है वो क्या है, प्लूरल, दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम दे मीट, अब ये जो है आई किसके लिए यूज हुआ है, दोज के लिए, ठीक है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं, हु विल ट्रस्ट एवरी वन, जो हर किसी का भरोसा कर लेंगे जिन्हें भी वो मिलते हैं, तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम दे मीट, ये किसके अनुसार आएगा, दोज के अनुसार, तो ये हो जाएगा दे, ठीक है। हमेशा वाक्य के अर्थ को समझना है, दूसरे वाक्य का अर्थ है मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं, तो मिलने वाले कौन है, आई मीट नहीं है, दे मीट होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कई बार कह देते हैं हम लोग कि इसका मीनिंग पता हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अगर चीजों का मीनिंग भी हमें पता चल जाए तो उसका फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि ना पड़ता हो, ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण नियम है, ईच एवरी एवरी वन समवन समबड़ी नोबड़ी नन वन एनी मैनी ए मोर देन वन, इनका अर्थ होता है सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ईच बॉयज नहीं आएगा, एवरी बॉय एवरी बॉयज भी नहीं आएगा, एवरी वन माने वन, यहाँ तो वन दे ही दिया, समवन यहाँ भी वन दे दिया, समबड़ी नोबड़ी नन वन हो गया एक, एनी कोई भी, मैनी ए ये भी सिंगुलर होता है,
और मोर देन वन ये भी सिंगुलर ही रहेगा। तो ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच स्टूडेंट हैज कम, प्रत्येक विद्यार्थी आ चुका है, ईच स्टूडेंट, ठीक है। गलती कहां है, हैज अगर आएगा तो ठीक है, हैव कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ये भी हमने पढ़ा था कि ईच के साथ एंड से भी जुड़ा हुआ हो ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो भी ये क्या होता है, सिंगुलर ही माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ठीक है। दो जो वो है नाउन वो एंड से जुड़े हुए हो और दोनों से पहले ही ईच हो तो वो पूरा क्या हो जाता है, वो सिंगुलर ही बन जाता है, ठीक है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस इनिमी। अब ये ध्यान रखने के लिए बोला था मैंने आपको पहले भी कि वन अगर सब्जेक्ट है तो अपने की अंग्रेजी भी वंस लगेगी, यहां भी वंस लगेगी, ठीक है। वन मस्ट टॉलरेट, अगर वन के साथ यहां हिज आ गई तो इसका मतलब वो गलत है पार्ट, वो हमें बताना पड़ेगा पेपर में कि ये वाले हिस्से में गलती है। तो वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस इनिमी, दोनों ही जगह हिज का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि अपना ये जो वर्ड है वन, ये जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो इसके बाद सेंटेंस में जितनी भी बार वन के लिए यूज होगा कुछ भी, चाहे अपने की अंग्रेजी यूज हो, ठीक है, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो, उसमें वन जरूर होगा, यानी वन का वंस या वन सेल्फ, ठीक है, हिज नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। मैनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क। मैनी ए के बाद ध्यान रखना, कई बार हम रीजन लगा लेते हैं, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं कि मैनी ए स्टूडेंट, जैसे एक सेंटेंस आता है कभी कभी मैनी ए स्टूडेंट हैज पास द आईआईटी, हम कहते हैं एक ही नहीं थोड़ी की है पास, आईआईटी तो बहुत लोगों ने की है, इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, हैव पास्ड। हमें मैनी ए जहां आ गया हमें फिर वहां दिमाग नहीं लगाना है अपना कि ये तो ज्यादा लोग करते होंगे, क्योंकि हम यहाँ जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैनी ए का मतलब है सिंगुलर, तो अगर यहाँ मैनी ए आ गया तो आगे हमें सिंगुलर ही बनाना पड़ेगा। मैनी ए तो सबसे पहली गलती कहाँ से शुरू होती है कि इसमें एस लगा हुआ होगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनी ए सिंगुलर है, ए के बाद बॉय आएगा, ए बॉय, ए बॉयज नहीं आता कभी भी, तो ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट्स नहीं आ सकता, इसलिए तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। फिर जब एक है तो हैव कैसे आएगा भाई, फिर तो हैव हैज आएगा, ठीक है, डन, और अपने की अंग्रेजी भी क्योंकि वो एक है तो हिज आएगा ना कि देयर, ठीक है। तो मैनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, मोर देन वन ये हमने पढ़ा था, मोर देन वन एक के लिए होता है, जब एक के लिए होता है तो यहां सिंगुलर ही रहेगा और ये भी सिंगुलर रहेगा, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब मैनी का प्रयोग देखो इसमें दिखा रहे हैं, मैनी ए मैन हैज कम, मैनी ए यहां मैन हो गया सिंगुलर और यहां ये भी सिंगुलर, मैनी ए मैन हैज कम और मैनी मैन हैव कम। केवल मैनी हो, देखो मैनी ए का मतलब होता है एक, इसलिए इसके बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक है, और मैनी का मतलब है प्लूरल, यानी बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, मैनी माने बहुत से, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल आएगा। ध्यान रखना है मैनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा नाउन और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है। दोनों के बाद, मैनी ए के बाद प्लूरल लगाओगे तो भी गलत है और मैनी के बाद सिंगुलर लगाओगे तो भी गलत है, ठीक है। रूल नंबर 13 देखिए, ईच एवरी वन आदि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है यदि, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होता है, ठीक है, और जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब और प्रोनाउन जो भी आएगा वो क्या होगा बताओ, प्लूरल ही होना चाहिए। लेकिन ये जो वर्ड हैं इनका यही खासियत है, ठीक है, इनके बाद देखो सेंस कैसे बदलता है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में से प्रत्येक, यानी एक बार में कितने ले रहे हैं वो, एक, लड़कों में से प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो यहां फिर क्या रहेगा, वो एक रहेगा, जब एक रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ देम हैज डन हिज वर्क, उनमें से एक ने अपना काम कर लिया है या किया है, ये लड़कों में से एक ने अपना काम किया, तो काम करने वाला कौन हो गया, एक, इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है और ये प्रोनाउन भी सिंगुलर है, ठीक है। रूल नंबर 14 देखो, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाएगा। अब देखो ईच बॉय तो ठीक है, क्या है, ईच बॉय, यहां ये क्या है, सिंगुलर। अब अगर ऐसे आ जाए वी ईच, इसका मतलब है हम में से प्रत्येक,
हम में से प्रत्येक, यानी हम जो है मेन सब्जेक्ट हम हैं, लेकिन हम में से भी हर एक के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो वी ईच फिर यहां आएगा क्या, प्लूरल वर्ब। वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवार्ड्स अवर नेशन, यानी इसका मतलब है हम में से प्रत्येक, यानी हम सबकी एक ड्यूटी है किसके प्रति, अपने देश के प्रति, हम सबकी देश के प्रति एक ड्यूटी है। ईच बॉय यहां सिंगुलर, और वी ईच, दे ईच, अगर दे ईच आ जाए तो अभी क्या होगा, ये भी प्लूरल, क्योंकि ईच से पहले, यानी ईच से पहले अगर कुछ आता है, कोई भी प्रोनाउन आता है और वो प्लूरल है, तो फिर जो सब्जेक्ट है ना वो ये दे बन जाएगा, यहां पे ये वी बन गया सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट नहीं रहा, बस बता रहा है कि हम में से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक। जब ये दे बनेगा सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, और अगर ये वी बनेगा तो भी प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है। आगे देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये तो हमने अभी देखा ही था, सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, वन, वंस, वनसेल्फ, ये हमने अभी ऊपर ही देखा था। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज नहीं लगेगी, ये फिर से मैं बताता हूं, वन के साथ अपने की अंग्रेजी लगानी है तो फिर क्या लगेगी, वंस ही लगेगी, और रिफ्लेक्सिव लगाना है तो वन सेल्फ ही लगेगा, ठीक है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस और वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, कौन सा सही है, अगर एक आए तो हमें कौन सा बताना है जिसमें वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगी हुई है, अगर सब्जेक्ट वन है तो उसके साथ अपने की भी वंस लगेगी और रिफ्लेक्सिव लगेगा तो भी वन सेल्फ लगेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपने नाउन और प्रोनाउन अच्छी तरह से समझे हुए हैं तो इनमें मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है, ये तो बल्कि तेरा फायदा है। देखो, एक चैप्टर नया पढ़ रहे हो, नाउन की रिपीट कर रहे हो, प्रोनाउन के जो रूल्स हैं उन्हें भी रिवाइज कर रहे हो, यानी सारे की सारी चीज़ें जो अब तक आपने की हैं फिर से रिवाइज हो जानी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि आपको तैयारी करनी है इसकी ढंग से, अच्छी तरह से, और इसे पढ़ना है। पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए इसका डाल ही दिया है, जो अंगिरा कोचिंग वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए, क्या है, अंगिरा कोचिंग, ANGIRACOACHING, ठीक है, अंगिरा कोचिंग लिखा हुआ है, तो इसे आप कर लीजिए, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार खुद से फिर से करने की कोशिश कीजिए, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट किया तो रिप्लाई करूंगा इंडिविजुअली, या फिर मैं आपकी जितने भी कमेंट आएंगे और उनमें जितने भी रीजनेबल आपकी क्वेरी होंगी उनको लेके लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।